I, Sanchita Bhattacharya, welcome you to our program. Subject is painting. Today we have a very interesting topic, that is Pahari miniature art, like Pahari miniature painting. We have done Deccan miniature art in our last program. Now Pahari art. So learner, let us start. What do you mean by miniature painting? First of all, miniature painting is a traditional style of art that is very detailed, often referred to as painting or working in miniature. Miniature painting is sometimes confused and assumed that the pieces must be small to depict subjects on a smaller scale to be considered miniature art, though this is not the case. So what is Pahari miniature painting? The style of Pahari miniature painting developed in the independent states of Himalayan foothills in India. The style is made up of two markedly contrasting schools, the bold and intense Basoli, the delicate lyrical Kangra. The Pahari miniature school flourished in the foothills of the Himalayas in northern states of Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir and Uttarakhand from around the 16th century. Which color was used in Pahari school of painting, do you know, learner? So let us learn. An important feature of the Pahari paintings were the delicate touch of line and the use of vibrant color. What are these vibrant color? These are yellow, red, blue. Nowadays, other colors also used. What are the characteristics of Pahari school of miniature painting? Its main features are use of strong and contrasting colors, monochrome background, large eyes, bold drawing, use of battle. Do you know what is monochrome? Monochrome ka meaning hai one. Mono matlab ek. To monochrome ka meaning hai ek hi color use karna. Hum jab ek hi color use karte hain, कोई भी पेंटिंग जब हम बनाते हैं, जब हम सिंगल कलर यूज़ करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं मोनोक्रोम कलर हमने यूज़ किया है, मोनोक्रोम इमेज. व्हाट इज मोनोक्रोम? अ मोनोक्रोम इमेज इज कंपोज्ड ऑफ वन कलर. द टर्म मोनोक्रोम कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक रोमनाइज्ड मोनोक्रोमाइज लिट हैविंग वन कलर. द मोनोक्रोमिक ऑब्जेक्ट और इमेज reflects color in shades of limited colors or hues. Images using only shades of grays are called grayscale or black and white. This is monochrome color. Let's see. देखो, बाएं साइड में हमने black and ऊपर का portion है white. तो ये जो white color है already copy में होता ही है, book में होता ही है, कागज पे होता ही है. तो हमने जब मोनोक्रम कलर हम यूज करते, ऊपर का पोर्शन हमने ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है व्हाइट ऑलरेडी पेपर का कलर है, हमने से ब्लैक कलर उसमें यूज किया. और कितनी बखूबी से आर्टिस्ट मोनोक्रम कलर को यूज किया. ब्लैक को नीचे का पोर्शन जो आप बाएं साइड का हम पेंटिंग अगर देखेंगे, जो मोनोक्रम पेंटिंग है उसका जब हम देखेंगे नीचे का जो पोर्शन है, वो कितनी बखूबी से, कितनी आर्टिस्टिक वे में उन्होंने जो कलर यूज किया है, इसको कहते हैं मोनोक्रम कलर. अब राइट साइड का पेंटिंग को हम जब देखेंगे, राइट साइड में देखिए ब्लैक एंड वाइट का जो एक मिक्सिंग कलर मिक्सिंग करके जो उन्होंने किया है, वाकई काबिले तारीफ है. हम ये सोच सकते हैं कि मोनोक्रम कलर से हम कितनी कुछ कलर हम कर सकते, कितना कुछ पेंटिंग हम कर सकते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट. हम वाइट के ऊपर कोई भी एक कलर जब हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं मोनोक्रम कलर. सो मोनोक्रम कलर जब हम सिंगल कलर का यूज होती है कोई पेंटिंग में, तो ये तो रही मोनोक्रम कलर. हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पहाड़ी मिनिएचर आर्ट. विंग्स फॉर शोइंग डायमंड्स इन ऑर्नामेंट्स, नैरो स्काई एंड रेड बॉर्डर आर ऑब्जर्व्ड इन दिस
दिस इज अ कांगरा आर्ट। कांगरा आर्ट का मतलब कांगरा मिनिएचर आर्ट। कांगरा मिनिएचर आर्ट जब हम देखते हैं, उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है, लेकिन कांगरा मिनिएचर आर्ट ये एक पहाड़ी मिनिएचर आर्ट है। पहाड़ी का मतलब क्या होता है, हिली एरिया में जो मिनिएचर आर्ट हमें मिलता है। तो ये जो कांगरा आर्ट हम देख रहे हैं, ये कांगरा आर्ट में देखिए सॉफ्ट कलर का यूज हुआ है, कोई ब्राइट कलर का यूज हमने ब्राइट वे में नहीं किया है। जो भी कलर इसमें यूज हुआ है ग्रीन, एंड ग्रीन का ही शेड्स को हमने डिफरेंट वे में यूज किया है हमने, नहीं आर्टिस्ट ने। एंड इसमें कृष्ण भगवान को हम देख पा रहे हैं। कृष्ण जी का जो बॉडी का कलर हम हमेशा देखते हैं ब्लू कलर का होता है, एंड उनका जो कपड़े पहनाया है येल्लो कलर का, जो क्लोथ उन्होंने पहने हैं येल्लो एंड वाइट कलर का, जो चादर उन्होंने लगाया है, मतलब आर्टिस्ट ने जो बनाया है, ये येल्लो कलर भी बहुत ही हल्का येल्लो कलर, सॉफ्ट येल्लो कलर का यूज़ हुआ है। जैसे बसोली के साथ इसका जो डिफरेंस है, बसोली में बहुत डार्क कलर यूज़ होती है, कांगरा में बहुत लाइट एंड बहुत ही सॉफ्ट कलर का यूज़ होती है, तभी ये कांगरा की एक खूबी हम देख सकते हैं। दूसरा कांगरा का आर्ट देखिए, इसमें भी आर्टिस्ट ने मिनिएचर आर्ट देखिए पत्ते का जो छोटा छोटा हम आर्टिस्ट ने बनाए हैं, छोटा छोटा जो पार्ट बनाए हैं उसमें एक पत्ते में कितने सारे पेंसिल का या ब्रशेस का स्ट्रोक उन्होंने लगाए हैं, तभी इसको मिनिएचर आर्ट कहते हैं। मिनिएचर आर्ट मतलब लघु चित्रकला, लघु सूक्ष्म चित्रकला भी हम कह सकते हैं। कितनी खूबी से बखूबी से आर्टिस्ट ने इसमें अपना कला को दिखाए हैं। और नीचे का जो पोर्शन है, राधा वृंदावन में बैठे हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग में राधा वृंदावन में बैठे या कोई सखी वृंदावन में बैठे हैं। उन्होंने वृंदावन की जो दूसरे चारों तरफ पेड़ों से घेरे हुए हैं, और नीचे एक बहुत सुंदर सा पानी बह रही है, एक हम ये समझ सकते हैं, और पानी में कितनी सुंदर सा फूल खिले हैं, पत्ते भी उसमें है। तो ये जो कंपोजिशन आर्टिस्ट ने बनाए हैं कांगरा जो आर्ट का, कि मिनिएचर आर्ट का आर्टिस्ट ने जो बनाए हैं, जो राधा एक झूला में बैठे हैं और झूला को जो दिखाए उन्होंने, झूला में राधा जो बैठे हैं और राधा का जो साड़ी का जो कलर है और उसकी ड्रेसेस का जो कलर है, कितनी खूबसूरत से मैच हो रहा है बैकग्राउंड के साथ। बैकग्राउंड कलर में जो ब्लू कलर उन्होंने आर्टिस्ट ने बनाए हैं, देखिए ऊपर का पोर्शन है बहुत डार्क ब्लू और नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा लाइट ब्लू। इस तरह से स्काई को जब हम बनाते हैं, ऊपर का पोर्शन में देखिए बहुत ज़्यादा डार्क होते होते काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, और पेड़ जो बनाए उन्होंने बहुत सारे पत्ते के साथ, वो पत्ते को भी अलग अलग से हम देख सकते हैं। नॉट ओनली दिस, एक पत्ते में भी कितनी छोटी छोटी सर्कल उन्होंने डाला है, कितने सारे ब्रशेस का स्ट्रोक है या पेंसिल से भी उन्होंने बहुत ही बखूबी से उन्होंने बनाए हैं। ये भी एक दूसरा आर्ट है कांगरा मिनिएचर आर्ट। इसमें देखिए कलर उन्होंने जो यूज किया है, डार्क ब्लू कलर यूज किया है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वे में, कोई ब्राइटनेस हमें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है। कितनी खूब मतलब कितनी सुंदर तरीके से आर्टिस्ट ने बनाए हैं इसमें, और सखी जो वहाँ पे घूम रहे हैं वो अपने गार्डन में, और आसपास में पीकॉक भी उनके आसपास में घूम रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत से पीकॉक का जो ड्राइंग किया है डार्क ब्लू के साथ और लाइट हल्का कलर के साथ, कोई भी एक कलर के साथ दूसरा कलर को कितना अच्छा कंट्रास्ट किया है आर्टिस्ट ने, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हमेशा यही चीज़ हम देखते हैं जहाँ पे राधा की चेहरा अगर या सखी कोई भी हम इनको माने, तो ये जो चेहरा जहाँ पे है वहाँ पे कितना बैकग्राउंड कलर को कितना सॉफ्ट कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है, ताकि इनकी चेहरा को बिल्कुल फोकस में आए और क्लियर हमें दिखे। ये है बसोली आर्ट। बसोली आर्ट का जो खूबी है कि यहाँ पे कृष्णा डीलिंग विद गोपीज। बसोली आर्ट का जो खूबी है, बहुत डार्क कलर का यूज होती है बखूबी बसोली आर्ट में, एंड कृष्ण दो गोपिनीज के साथ, गोपीज के साथ उन्होंने राश कर रहा है। देखो अलग अलग तीन फेस है और तीनों ही एक के साथ तीनों ही ओवरलैपिंग करके उन्होंने बनाए हैं क्लोथ्स का भी, लेकिन हर
चीज़ को हम अलग अलग से देख सकते हैं। इसमें डार्क कलर का यूज़ होती है, एक यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कलर का होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर इसमें यूज़ होती है, हर कलर इसमें ब्राइट रहती है। एंड इनका जो चेहरा है, आईज़ है, बहुत ही मीनाक्षी बोलते हैं, मतलब मीन मछली के तरह इन्हें जो आईज़ होता है, लोगों का आईज़ इस तरह से ड्राइंग करते हैं, जो पेंटर ड्राइंग करते इस तरह से पेंट करते हैं। एंड दूसरी आर्ट है बसोली मिनिएचर आर्ट, इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें और कांगड़ा की जो आर्ट है, इस दोनों में काफ़ी मेल मिलता है, लेकिन इसमें जो भी कलर इन्होंने यूज़ किया है बैकग्राउंड कलर में, देखिए येल्लो कलर यूज़ किया है, एंड बैकग्राउंड कलर में इन्होंने जो जो कलर यूज़ किया है, कहीं भी कोई भी ब्लू कलर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कृष्ण का जो बॉडी है उन्होंने ब्लू कलर का यूज़ किया है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है कांगड़ा से। ये बहुत ही बखूबी से बसोली एंड कांगड़ा का हम डिफरेंस कर सकते हैं। बच्चे आप एक चीज़ और भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये जो पेड़ उन्होंने बनाए हैं ग्रीन कलर का तो बनाए हैं, पत्ते हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पत्ते हैं, लेकिन ये जो पत्ते हैं हर कलर, हर पत्ते का कलर और कांगड़ा के जो पत्ते जो कलर यूज़ करते हैं दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसमें बहुत डार्क कलर एंड ब्लैकिश मिला के करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ होती है बसोली में। इसमें भी देखिए बसोली मिनिएचर आर्ट जो बनाए हैं, इसमें भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाए हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कलर है, बहुत ब्राइट कलर ये यूज़ करते हैं बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड उन्होंने हल्का सा दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो फोरग्राउंड में वो डार्क कलर यूज़ करेंगे। बसोली का यही उन्होंने अपना आइडेंटिटी है कि वो बहुत ही डार्क कलर यूज़ करते हैं, पीछे भी ऑरेंज कलर का यूज़ किया है और सामने जो जो दो सखी को बनाए हैं वो भी कपड़े जो पहनाए हैं वो भी बहुत ही ब्राइट कलर का कपड़े पहनाए, लेकिन कितनी बखूबी से उन्होंने निभाए हैं। और ऊपर में देखिए जो ये दो डिवाइड किया है, ये पेंटिंग को दो भागों में डिवाइड है, ऊपर में पेड़ सारे पेड़ उन्होंने बनाए हैं और नीचे का पोर्शन में दिखा रहे कि बहुत बड़ा ग्राउंड में दो सखी घूम रहे हैं। कितनी सुंदर तरीके से जो पेड़ उन्होंने बनाए हैं, कितने सारे पेड़ हैं, लेकिन हर पेड़ का कलर अलग अलग है, ताकि हमें पता चल रहा है कि ये पेड़ अलग है, एक के साथ दूसरा ओवरलैपिंग किया है, लेकिन हर कलर और हर आउटलाइन अलग है। नो व्हाट टेक्निक इज यूज्ड इन मिनिएचर पेंटिंग? फॉर मिनिएचर पेंटिंग द पेंटर्स यूज अ स्पेशल हैंडमेड पेपर नोन एज वॉशली इन several parts of India. It is made by fusion of multiple layers of sheets that are extracted from rice stalk, bamboo and other things that are designed for this purpose. Guler painting. It is also an important painting of Guler miniature painting is mostly based on Rajput themes. These themes are mostly Rome artism and religious. So this is a Guler painting. ये जो Guler painting का जो है एक चीज़ आपने अभी देखा होगा, देखिए Guler painting में हमने mostly use करते हैं राजपूत themes को और religious themes को. Religious themes को हर पहाड़ी painting में use होता है, लेकिन Guler का जो एक अलग से identity है वो है कि Guler painting में राजपूत theme भी use होती है, and गुलेर पेंटिंग का जो खासियत है उनकी देखिए चेहरा एंड जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा थिन होता है, एंड इन्होंने पीछे जो है येल्लो कलर का यूज़ किया है, फुल बैकग्राउंड जो है येल्लो है। ये आर्टिस्ट हम समझते हैं कि अरे तो कोई ग्राउंड में खड़े हैं तो ग्राउंड तो ब्लू का ग्रीन कलर का होना चाहिए, या कुछ भी इस तरह से अगर गार्डन में खड़े हैं तो गार्डन तो ग्रीन कलर का होना चाहिए क्योंकि ग्रशेज आर देयर, लेकिन ये जो गुलेर पहाड़ी मिनिएचर का जो आर्टिस्ट है उन्होंने जो बनाए हैं ये येल्लो कलर का, और कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाए हैं, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कितना अच्छा बैलेंस है, रिदम है, हारमोनी भी है, और हर पेंटिंग का हर एक फिगर को हम अलग अलग से देख सकते हैं, और सारे चार सखियाँ इसमें खड़े हैं और सारे कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, कृष्ण जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पर डांस कर रहे हैं, अपना एक बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पे चल रहा है। तो गुलेर मिनिएचर पेंटिंग को हम इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नाउ बसोली इनिशिएटेड पहाड़ी आर्ट बाय इलस्ट्रेटेड
literary classics like Rasa Manjari, Ramayana, and Geet Govinda, and abstract theme like Ragmala, square format or background, usually consisting of double-storied building structures with elaborate shikaras, lotuses used as a mast, and various other decorative elements characterize a Basoli miniature. अब आती हूँ हम चंबा मिनिएचर में. चंबा भी एक पहाड़ी स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है. चंबा इज नोन फॉर इट्स टिपिकल एंड डिस्टिंक्टिव फीमेल फिगर्स एंडोज विद द मोस्ट चार्मिंग लुक्स, रेड एंड ब्लू डोमिनेट. सो ये हम चंबा की जो पेंटिंग हम देख सकते हैं, चंबा में रेड एंड ब्लू का बहुत ज़्यादा यूज होती है. हम देख सकते हैं कि चंबा मिनिएचर आर्ट को फीमेल फिगर को बहुत ही आर्टिस्टिक वे में बनाते हैं. और चंबा मिनिएचर, चंबा इज आउटस्टैंडिंग इन इट्स टेक्निक ऑफ आर्टिस्टिकली मिक्सिंग कलर एंड एम्प्लीफाइंग देयर विजुअल इम्पैक्ट. तो दिस इज अ चंबा आर्ट, चंबा का मिनिएचर आर्ट है. आप देखिए जरा इसमें चंबा मिनिएचर पेंटिंग में कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से आर्टिस्ट ने बनाया है. एंड ये जो पिक्चर में, पिक्चर का ये हम आप देख सकते हैं कि नेशनल म्यूजियम में ही रखा है. और पिक्चर में जो बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन बनाया है, एक छोटा सा मंदिर बनाया है साइड में और चारों तरफ सखियाँ एंड खड़े हैं, और पीछे भी एक जंगल तो हम नहीं कह सकते लेकिन पेड़ है बहुत सारे. और ऊपर का देखिए, पेड़ों की वजह से नीचे पेड़ों ऊपर का पूरा पेड़ों पेड़ भरे हैं ताकि हमें आसमान नहीं दिख रहा है, लेकिन पेड़ के नीचे से जहाँ पे पेड़ का स्टेम रखा है वहाँ से हम आसमान को देख सकते हैं. पीछे ब्लू कलर का आसमान दिखाया है आर्टिस्ट ने, और ऊपर में पूरे भरे पड़े हैं पत्ते जिसकी वजह से हमें आसमान नहीं दिख रहा है. ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से चंबा पेंटिंग उन्होंने आर्टिस्ट ने बनाए हैं. अब आते हैं मांडनी. मांडनी विद अ स्टाइलिस्टिक आइडल सिंक्रेसी ऑफ इट्स ओन एंड अ ग्रेटर थेमेटिक थ्रस्ट एक्वर्ड अ ग्रेट डिस्टिंक्शन इन देवीज तंत्रिका कल्ट. वेरियस तंत्रिका इनोवेशन ऑफ देवी यूजुअली रेंडर्ड इन क्रूड एवस्पिरेशन फ्रॉम कंस्टिट्यूट द प्राइम थीम ऑफ मांडनी मिनिएचर्स. द ऑफुल देवी फॉर्म्स एक्वर फर्दर इम्पेटस इन मांडनी स्टाइल बाय एक्सक्लूसिवली एंड mystically used black, red and blue colors in their deepest tones. So this is the main characteristic. अगर हम पहाड़ी मिनिएचर का बात करेंगे वहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये मांडनी पेंटिंग का है, मांडनी मिनिएचर पेंटिंग है. इसमें देखिए महादेव एंड पार्वती का ये पिक्चर है, बहुत ही तीन फेस इन्होंने बनाए हैं. ये जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हैं, देखिए पीछे का बैकग्राउंड है डार्क ब्लू, ये इसकी खूबी है मांडनी की, बहुत ही डार्क ब्लू कलर का यूज होती है. एंड येलो एंड ऑरेंज का जो बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन बनाए, देखिए तीनों फेस को अलग अलग से हम देख सकते हैं. लेकिन उसमें एक चीज़ की बहुत ही सुंदर से अलग से किया है, कॉस्ट्यूम की वजह से हमें पता लग रहा है कि ये जो फिगर है, एंड चेहरा की वजह से, चेहरा तो एक दोनों साइड से उन्होंने बनाया है. और बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है इसमें पूरी कंपोजिशन में, नीचे ऊपर से लेके कहीं भी कोई बैलेंस की कमी नहीं है. एंड बैकग्राउंड में जो ब्लू कलर का उन्होंने दिया है, डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है लेकिन हल्का सा वाइट शेड्स उसमें है. यही खूबी होती है मांडनी की. मांडनी पिक्चर में हमेशा रेड ब्लू कलर का यूज होती है. देखिए दूसरा मांडनी पेंटिंग, ये भी एक ये है मैरिज सेरेमनी है राम एंड सीता का. एंड ये मैरिज सेरेमनी में येलो कलर का फुल इन्होंने फोरग्राउंड बैकग्राउंड पूरा उन्होंने किया है आर्टिस्ट ने. एंड उसके बीच में जो पौधा लगाए हैं, क्योंकि जो सेरेमनी हो रहा है कोई गार्डन में हो रहा है, जो पौधा उन्होंने बनाए हैं
वो ग्रीन कलर की और कितनी खूबसूरत तरीके से येलो एंड ग्रीन का जो कम्बिनेशन बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हैं। कुछ कुछ किसी किसी का ड्रेसेस जो है वाइट कलर का ड्रेस है, और एक चीज़ देखिए इस पे दो भागों में इसको डिवाइड किया है, नीचे का एक पोर्शन बनाए हैं एंड ऊपर का एक पोर्शन बनाए हैं। ये जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो मैरिज सेरेमनी को दिखाया, इसमें कितने सारे फिगर उन्होंने बनाए हैं आर्टिस्ट ने, लेकिन एक के साथ दूसरा कभी भी कलर एंड आर्टिस्ट की कभी भी चेहरा का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। हम अलग अलग से हर फिगर को, हर चेहरे को देख सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।